हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक का मतलब होता है बच्चों किसी कोई भी एनिमल्स को हम डोमेस्टिक यूज के लिए उन्हें रख रहे हैं, है ना, या पाल रहे हैं, दैट इज लाइव स्टॉक। सो यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सारे रेवोल्यूशंस पढ़ने वाले हैं साथ में। बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू, लेट अस बिगिन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था बच्चों? ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इरीगेशन फैसिलिटीज़ के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन, हाई ईल्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो दैट इज़ ग्रीन प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में हम इसमें और पढ़ेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इंडिया में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। सो ही इज़ मिस्टर एम एस स्वामीनाथन। नाउ इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, ऑलमोस्ट 120 करोड़ पीपल लिव हेयर, है ना, ऑलमोस्ट 120 करोड़ से ज़्यादा ही लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं। बहुत बड़ी कंट्री है। इन द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कैसी है? सेवेंथ नंबर पर है लार्जेस्ट कंट्री। और जो 70% ऑफ अवर पीपल है, हमारे इंडिया के जो 70% पीपल है वो किस, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर, मतलब वो उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। हम यहाँ एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। सो हेयर वी हैव द मैप ऑफ इंडिया, है ना, दीज आर अवर नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, है ना, श्रीलंका, दीज ऑल आर अवर नेबरिंग कंट्रीज। हेयर यू कैन सी बच्चों, जो पिंक कलर से है दैट मीन्स दैट एरिया इज ग्रोइंग कॉटन, या गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, सुटेबल फॉर गुड्स फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो येलो कलर से है वो क्या है? जूट के लिए है, जहाँ पे हमको ऐसे लीफ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? टोबैको के लिए है। रबर, ये जो हमारे ये ट्रीज बने छोटे छोटे, ये रबर के लिए है। मिलेट्स के लिए, ये इन्होंने मिलेट्स कॉर्न बना दिया यहाँ पे। शुगर केन के लिए भी इन्होंने शुगर केन जैसे ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, सो यहाँ पे शुगर केन होता है। नेक्स्ट कोकोनट के लिए, कोकोनट का ट्री बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया में अदर अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं। नाउ एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। जो हमारे अर्ली मैन थे उनकी मेन डिस्कवरी, उन्होंने फायर की डिस्कवरी की थी। दो पत्थरों को आपस में रगड़ा और देखा कि भाई फायर, आग जलने लगी, तो उससे फिर वो लोग पहले जो है रॉ फ्लैश खाते थे, है ना, कच्चा मांस। फिर उनको आइडिया आया कि भाई इस तरीके से आग जल सकती है, तो उन्होंने फिर खाने को पका के खाना शुरू किया। तो फायर की डिस्कवरी भी उन्होंने की थी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की डिस्कवरी उन्होंने कैसे की थी बच्चों? तो ऐसे ही वो लोग जो है अर्ली ह्यूमन बींग्स वो डिपेंड करते थे ट्रीज से जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं उन पर, या फिर फ्लैश ऑफ एनिमल पे। तो ऐसे ही वो एक दिन क्या हुआ, क्या खा रहे थे? फ्रूट्स खा रहे थे, और बारिश आ गई तो रेनफॉल होने के कारण वो जल्दी से सारे लोग कहाँ चले गए? केव्स में, गुफाओं में चले गए, और खा के उसके जो सीड्स हैं उसको बाहर फेंक दिया। तो फिर उन्होंने कुछ दिनों तक गुफाओं में रहे, खाए और फेंक दिए सीड्स। तो कुछ दिनों बाद देखा कि उस सीड से क्या होगा, स्प्राउटिंग, मतलब वहां से पेड़, मतलब थोड़ा सा पौधा खिलने लगा, है ना, इस तरीके से स्प्राउटिंग उन्होंने देखी। तो उनको एग्रीकल्चर का आइडिया आया। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। मिलियंस ऑफ ईयर अगो अवर एंसेस्टर डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर। जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर पूर्वज जो थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया। Before its discovery, they dependent on hunting. जब तक उन्हें agriculture के बारे में नहीं पता था तो वो क्या करते थे? Hunting, जानवरों को मार के खाते थे। So they ate raw meat of animals, insect, leaves, root, fruit, etc. मतलब animals, insect, leaves, इनका सब raw, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, और कच्चे ही फल खाते थे, सब्जियां खाते थे। Now, but anyhow, they discovered agriculture and developed themselves. फिर धीरे धीरे उन्हें agriculture का idea आया, उनके अंदर डेवलपमेंट हुए। दे बिगेन टू ग्रो सम सीरियल्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ क्रॉप प्रोडक्शन शुरू किया, जैसे कि वीट, राइस, गेहूं, चावल, मेज, मक्का, सुगर केन मतलब गन्ना, इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, और बहुत सारी क्वांटिटी में इन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन करना शुरू किया। वरना उसके पहले वो किस पे डिपेंडेंट थे?
रॉ मीट ऑफ एनिमल्स या फिर किसी इंसेक्ट को खा लिया या किसी प्लांट की रूट खा ली, लीफ खा ली, समझ रहे, इस तरीके से वो डिपेंडेंट थे। फिर उन्हें जब आइडिया आया तो उन्होंने लार्ज अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन शुरू किया। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल ऑफ अवर कंट्री बिकेम एक्सपर्ट इन ग्रोइंग मोर सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स एंड एग्रीकल्चर बिकेम अ प्राइम बिजनेस ऑफ इंडिया। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को और आइडियाज आते गए और फिर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया का प्राइम बिजनेस बन गया, मतलब मेन बिजनेस। नाउअडेज 70% पीपल आर एंगेज्ड इन इट। जो हमारे यहाँ के 70% पीपल हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। इंडिया हैज़ द फर्टाइल सॉइल एंड सफिशियंट वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अब अगर हम कभी भी एग्रीकल्चर की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो क्रॉप ग्रो नहीं होगा। साथ में वाटर अवेलेबल होना चाहिए, तो अगर जहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं है वहाँ तो वाटर वैसे भी अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो वाटर भी नहीं है, सॉइल भी नहीं है, तो वहाँ हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि डेजर्ट एरिया। इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सफिशियंट अमाउंट में फर्टाइल सॉइल और वाटर। मैनी इंप्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल यूज आर बीइंग मेड, मतलब इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे सुधार आते गए। वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर सीरियल्स टू फुलफिल अवर नीड्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स को ग्रो करने लगे जिससे हमारी नीड फुलफिल हो। द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1993 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1950 से 1993 तक का जो टाइम पीरियड है वो पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। कैसे, इंडियाज एग्रीकल्चर इज द पाइवट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो निर्भर ही करती थी, डिपेंड ही करती थी यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम पे। सो हेंस मोर एंड मोर मनी इज मेड बाय एग्रीकल्चर, लोग बहुत पैसे कमाने लगे एग्रीकल्चर से, है ना, पैसों का फ्लो शुरू हो गया। लोग हम एक्सपोर्ट भी करने लगे, जो अपने क्रॉप्स उनको दूसरे देशों में भी देने लगे, तो हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था क्योंकि सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है ना, साथ में पानी भी अवेलेबल था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कुछ स्टेप्स लिए जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया गया। तो सबसे पहले उन्होंने डैम्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा इनको बनाना शुरू किया। बिल्ट फॉर मोर इरिगेशन फैसिलिटी, किस लिए, जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़े, सिंचाई, है ना, पानी अच्छे से मिले क्रॉप्स के लिए। नाउ द इंडियन फार्मर्स डू नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन रेन, अब जैसे डैम्स कैनाल्स बन गए तो इरिगेशन के लिए उनको किस पे डिपेंड नहीं होना पड़ा, रेनफॉल पे डिपेंड नहीं होना पड़ा कि जब बारिश आएगी तो क्रॉप्स के लिए पानी मिलेगा, अब उनके लिए पानी हमेशा अवेलेबल हो गया। नाउ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स HIV, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू इंप्लीमेंट्स एंड मशीन्स आर बीइंग यूज्ड। तो बहुत हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब जिसको हमने अगर लगाया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होने लगेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होने लगा, जिससे दवाई छिड़कते ना हम फार्मिंग में, जिससे क्या ना हो, फसलें खराब ना हो, कीड़े ना खा जाएं फसलों के लिए। तो इन सब टाइप इन न्यू इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके, मशीनों का यूज़ करके, पहले जो बैल है वो खेतों को जोता करते थे, फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए, तो धीरे धीरे उनकी क्या होगी, टाइम कम लगेगा और क्या बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू हमने क्रॉप प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा लिया। मैनी एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैव बीन ओपन्ड वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले गए जहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ाया जाता था, एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता था, कि साइंटिफिकली आप कैसे अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हो, कौन से क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो, कौन सी मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू हुई। द फार्मर्स आर बीइंग गिवन लोन्स थ्रू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड मशीन्स ईजली। अब किसानों के पास अगर पैसा नहीं है तो ईजली उन्हें लोन पास होने लगा ईजली, जिससे वो मशीनें खरीद पाएँ, सीड्स खरीद पाएँ, है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो उनको कभी उसमें दिक्कत ना आए, तो ये भी एक मेथड आई। नाउ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज लेवल वर्कर्स एंड ग्राम पंचायत हेल्प द फार्मर्स इन यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब किसान हैं वो तो कॉलेज जाते नहीं हैं पढ़ने, जो न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे
करेंगे, वो जब गए कॉलेज उन्होंने नई मेथड्स सीखी तो और डेवलपमेंट आए। लेकिन जो पहले से किसान थे, तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, विलेज लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं ग्राम पंचायत, उन्होंने किसानों को नई नई मेथड्स सिखाई फार्मिंग की, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर, फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप, नेक्स्ट वन इज कैश क्रॉप। सो नाउ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन कंजप्शन। फूड क्रॉप्स मतलब खाने के लिए जो क्रॉप्स ग्रो करें हमारे खाने के लिए, वो फूड क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, ये सब मेन फूड क्रॉप है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं राइस। तो राइस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप राइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होता है। स्टेपल फूड फॉर द पीपल लिविंग इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो साउथ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं इंडिया के। ध्यान रखना, साउथ और ईस्ट पार्ट में जो रहते हैं उनका मेन स्टेपल फूड क्या है, राइस है। मच्छी चावल कोलकाता वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, साउथ में भी चावल बहुत फेमस है। राइस कल्टीवेशन रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जो चावल है, चावल की खेती में बच्चों बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, साथ में वहाँ का क्लाइमेट गर्म रहना चाहिए, हॉट और ह्यूमिड रहना चाहिए। तो ये कहाँ रहेगा, नियर द सी और ओशन। नियर द सी और ओशन क्या रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है एटमोसफियर में। इट इज़ ग्रोन बाय द ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू ग्रो करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पंजाब और हरियाणा ग्रो स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। जो पंजाब और हरियाणा स्टेट्स हैं, ये स्पेशल क्वालिटी के राइस को ग्रो करते हैं, और वो राइस क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, मतलब दूसरे देशों में हम उसे भेजते हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर सेकेंड नंबर पे है, जो राइस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, यहाँ खेत जोतने के लिए, फॉर प्लगिंग के लिए यूज ऑफ ट्रैक्टर, यहाँ ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। अर्लियर यहाँ पे क्या होता था, ऑक्स का यूज होता है, दिस वन इज पैडी क्रॉप। ये क्या है, चावल की पूरी खेती दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, डू यू नो इन इंडिया क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होते हैं इंडिया में, उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि वीट, बारले, पल्सेस एंड ऑयल सीड, ये सब रबी सीजन में ग्रो होते हैं। वीट, बारले, ज्वार, बाजरा, गेहूं, दाल और ऑयल सीड, सोयाबीन वगैरह, जिनसे तेल बनता है। और क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में होता है उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट आर ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन, ठीक है। मिलेट, ग्राउंडनट, मिलेट में ज्वार बाजरा आ जाएगा, ग्राउंडनट में मूंगफली, कॉटन, जूट और राइस और मेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वीट। सो वीट इज द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया। अब जो नॉर्थ पार्ट वाला इंडिया का है, और साथ में नॉर्थ के साथ जो वेस्ट वाला पार्ट रहेगा, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारा क्या है, वीट, गेहूं ज़्यादा खाते हैं। इट ग्रोज ऑन वेट एंड कूल क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कूल होना चाहिए, वेट होना चाहिए, बेसिकली विंटर क्रॉप है इंडिया का, अभी पड़ा रबी क्रॉप है। नेक्स्ट, प्लांटिंग बिगिन मोस्टली इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टिंग टेक प्लेस फ्रॉम मार्च टू मे। मतलब अक्टूबर में इन क्रॉप्स को बोया जाता है, और इनकी फसल जब उग जाती है तो कट कब करते हैं, मार्च से मे तक। तो गर्मियों में सबके घरों में गेहूं आते हैं, साल भर का स्टॉक तभी आते हैं, क्योंकि तभी फसलें गेहूं की कटती हैं। नाउ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहाँ पे मेजरली वीट प्रोड्यूस होता है। और इंडिया वीट में भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, राइस में भी है और वीट में भी है। तो यहाँ पे वीट क्रॉप हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब वीट की फसल, गेहूं की फसल उग गई, अब हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसे कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिलेट। तो मिलेट इज ए स्मॉल सीडेड क्रॉप दैट इज हार्डी, मतलब छोटे छोटे बीज जिसके होते हैं। इट ग्रोज जो ड्राई जोन्स, जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। मिनिमल कंडीशन चाहिए रहती है, ना बहुत ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, मिनिमल सॉइल फर्टिलिटी में और मॉइस्चर में ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि रागी, राई जो डालते हैं, ज्वार, बाजरा, इनकी रोटी खाई होगी आपने ज्वार बाजरा की, ये एग्जाम
एग्जाम्पल्स है किसके, मिलेट के। तो ये कहाँ ग्रो होता है, राजस्थान तो ड्राई एरिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे मिलेट ग्रो होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस मतलब होता है बच्चों दालें, तो दिस इज द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस। यहाँ पे क्या ग्रो हो रही है, पल्सेस, दाल ग्रो हो रही है। सो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और दाल, पल्स को ही क्या बोलते हैं, दाल बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन ग्राम मूंग की दाल, ब्लैक ग्राम उड़द की दाल, रेड लेंटिल मतलब मसूर की दाल, दे आर द एडिबल सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है बच्चों, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनका सीड्स जो रहता है वो ऊपर हिस्से में रहता है, और यहाँ पे एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसे हम लेग्यूमिनस बोलते हैं, जो बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए सब कहते हैं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए है तो दाल पीना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा दाल खाया करो। दे आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये ग्रो होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। सो कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस मतलब जिसे हम दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द एक्सपोर्ट। अब क्या होगा, जब हम दूसरे देशों में क्रॉप बेचेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा हमारे देशों में, है ना, हमारे यहाँ की कंडीशन, इकोनॉमिकली कंडीशन भी अच्छी होगी। तो कैश क्रॉप वही होते हैं जिसे हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सुगर केन हुआ, ऑयल सीड हुए, स्पाइसेस, जो भी मसाले हुए, इंडियन स्पाइसेस बहुत फेमस होते हैं अदर कंट्रीज़ में भी, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, रबर, ये सब कैश क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, हैविंग फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉड्स, मतलब ऊपर इस तरीके से सीड्स के फॉर्म में यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, वो लेग्यूमिनस बोल रहे हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस बता रहे हैं आप। नाउ द फाइबरस रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सुगर केन इज क्रस्ट इज कॉल्ड बैगस एंड इट इज द मेन सर्फेस ऑफ फ्यूल इज सुगर फैक्ट्रीज। मतलब जो सुगर केन को जब क्रश कर दिया जाता है तो उसके बाद जो फाइबरस बचता है ना, उसको सुगर फैक्ट्रियों में उसे एज अ फ्यूल, मतलब उसे जलाते हैं और उससे फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ सुगर केन, तो सुगर केन मतलब गन्ना, मेन यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जागरी, जागरी मतलब गुड़, गुड़ और शक्कर बनाने में यूज होता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सुगर का वर्ल्ड में, शुगर केन का, ठीक है, फिर शुगर केन से बनती है गुड़ और शक्कर। सो शुगर केन रिक्वायर फर्टाइल सॉइल, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। शुगर केन के लिए भी सॉइल फर्टाइल चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, मतलब समर्स में जैसे टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई, और टेम्परेचर हाई होगा तो क्लाइमेट भी मॉइस्ट मतलब ह्यूमिडिटी वाला रहेगा। लीडिंग प्रोड्यूसर शुगर केन का उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। नाउ नेक्स्ट इज ऑयल सीड। तो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। ऑयल सीड से हम बीज, मतलब ऑयल के बीजों से, तेल वाले जो बीज सोयाबीन वगैरह होते हैं, इनसे हम क्या निकालें, एक्सट्रैक्ट करें ऑयल, और उसे हम किस में यूज़ करते हैं, कुकिंग, खाने में, तो वो हमारा ऑयल सीड हुए, जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, सीसम, कोकोनट, नारियल का तेल, ये क्या है, ऑयल सीड के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले, दीज आर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, केरल में बता रहे हैं ये आपको, इसमें से ये आपको बहुत ईजिली रिकॉग्नाइजेबल होंगे, धने, धना जो हम खाते हैं, कोरिएंडर। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू द फूड, फूड में फ्लेवर एड करते हैं, मसालों से ही तो फूड में स्वाद आता है। सो दे रिक्वायर हैवी रेनफॉल। स्पाइसेस जहाँ मसाले ग्रो होंगे बच्चों, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ग्रोन इन द स्टेट ऑफ, वहाँ जैसे केरल, कर्नाटका में ग्रो होते हैं कैराडमम, बड़ी इलायची, क्लोव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, चिलीज मतलब मिर्च, सिनेमोन मतलब जीरा, टर्मरिक मतलब हल्दी, ये सब क्या है, कुछ कॉमन स्पाइसेस हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, जहाँ हम फूलों का कल्टीवेशन करें, है ना, फ्लावर्स का,
फ्लावर्स ग्रो करें बेचने के लिए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि अपने घर के गार्डन को हमने फ्लोरिकल्चर बोल दिया, नहीं, जब लार्ज अमाउंट में फ्लावर्स को ग्रो किया जाए कि उसको हम बेचेंगे तो वो है फ्लोरिकल्चर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज कॉटन कल्टीवेशन। ये आपको दिख रहा है ना, कॉटन प्लांट्स में कॉटन दिख रही है ऊपर। सो कॉटन एंड जूट आर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप से कपड़े बनते हैं कॉटन से। कॉटन इज यूज टू मेक कॉटन फैब्रिक, कॉटन का कपड़ा बनते हैं। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। और रिक्वायर्स वार्म वेदर। वेदर कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। मतलब हिमालयाज में कॉटन ग्रो नहीं होगा। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नाउ नेक्स्ट इज जूट। तो जूट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर। जूट में भी पानी बहुत ज्यादा चाहिए। फर्टाइल लैंड, सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होनी चाहिए। इट इज यूज टू मेक बैग्स एंड बास्केट। बास्केट्स वगैरह, बैग्स वगैरह किससे बनते हैं? जूट से बनते हैं, जो कि मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा में ग्रो होता है। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? जूट का। नाउ नेक्स्ट इज दीज ऑल आर कैश क्रॉप। इन्हें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नाउ कॉफी एंड टी प्लांटेशन क्रॉप। सो कॉफी बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, सब पीते, आपके घर में भी पीते होंगे कॉफी। तो ये नीलगिरी हिल्स में ग्रो होती है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में। नाउ टी भी हिली स्लोप्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, ये भी नीलगिरी हिल में ग्रो होती है, आसाम और दार्जिलिंग में भी ग्रो होती है। इसको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए रहता है चाय पत्ती को ग्रो करने के लिए। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का टी में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज फॉर टी प्लांटेशन, ठीक है। ये टी लीव्स है, फिर यहाँ से इनसे चाय पत्ती बनती है। नाउ रबर। सो मिल्क ऑफ रबर कॉइल लेटेक्स, मतलब रबर का जो मिल्क है, रबर का ये जो प्लांट है, इससे ये जो निकल रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लेटेक्स। इसे बोला जाता है लेटेक्स और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रबर ट्री। ये रबर ट्री से ही मिल रहा है। और केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। जो रबर का केरल जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। नाउ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आफ्टर 1960 के बाद इंडिया विटनेस्ड अ रैपिड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक रैपिड ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ। इट वॉज ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, क्यों? क्योंकि दैट द फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो फूड प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ऑल द एडवांस्ड एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाई क्रॉप यील्ड। अब ये बता रहे हैं कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो कैसे बढ़ा? क्यों? क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उनने क्रॉप प्रोडक्शन की ओर ज्यादा ध्यान दिया और उन्होंने जो फार्मर्स हैं उनको वाटर जैसे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की। डैम्स बने, कैनाल्स बने, ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन कर सकते थे, तो वो रेनफॉल पे डिपेंड नहीं होते थे, तो वो थ्रू आउट द ईयर खेती करने लगे, है ना। नहीं तो अगर रेनी सीजन पे डिपेंड करते तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता। साथ में सीड्स की वैरायटी, कोई कई बार क्या होता है कि खराब बीज को बोने से भी फसल खराब हो जाती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बीज हम लगाएंगे तो उससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, फसलें खराब नहीं होंगी। और मॉडर्न टेक्निक का यूज करने लगे, जैसे पहले बैलों को यूज करते थे प्लगिंग के लिए, खेतों को जोतने के लिए, है ना, ऑक्स का यूज होता था, लेकिन फिर क्या है, ट्रैक्टर आए, तो उससे क्या हुई, एफिशिएंसी बढ़ गई और टाइम कम लगने लगा। तो इस तरीके से मॉडर्न टेक्निक का यूज करके क्रॉप की यील्डिंग को हमने बढ़ा लिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करने लगे। तो ये देखो अगेन द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो पिंक कलर से है वो कॉटन प्रोडक्शन है, येलो कलर से जूट का प्रोडक्शन है, ये लीव्स जो है वो टोबैको है, और जो यहाँ पे नेक्स्ट, ये जो केरल तमिलनाडु में हमने पढ़ा था, ये क्या है, रबर प्रोडक्शन का एरिया है। नाउ रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एग्रीकल्चरल एनवायरमेंट विद द इंटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, टेक्सटाइल, लेबर और मैन्योर इज कॉल्ड लाइव स्टॉक रियरिंग। लाइव स्टॉक रियरिंग किसे बोला जाता है बच्चों? कि हम जानवरों का यूज करें सामान को ढोने के लिए या फिर खेती करने के लिए, तो और एज अ लेबर उन्हें यूज करने लगे,
तो वो हमारा लाइव स्टॉक रेयरिंग है। इंडिया लाइव स्टॉक सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम सबसे बड़े हैं जो जानवरों का ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि बुल्स और ऑक्सन का यूज करते हैं, ड्रॉट एनिमल्स इन फील्ड, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ फील्ड में हम इनका यूज करते हैं, बैलों वगैरह का करते थे पहले भी, रेयरिंग ऑफ कैटल जानवरों को, काउज और बफेलोस को क्यों पालते हैं, मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क मिलता है मिल्क प्रोडक्ट और फिर हम उसे बेचते हैं, फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग भी बोलते हैं। मैनी डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड मतलब दही, घी, पनीर, चीज एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क। ये डेयरी प्रोडक्ट जो है वो मिल्क से ही बनते हैं, इन्हें भी हम बेचते हैं। सो गोट्स एंड शीप आर सम अदर फार्म एनिमल्स रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मीट। ये जो गोट और शीप है इनको हम किसके लिए, शीप से तो हमें वूल भी मिलता है जिससे हम ऊनी कपड़े बनाते हैं, साथ में हम इनका मिल्क और मीट के लिए यूज करते हैं। नाउ रेयरिंग ऑफ हेंस एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट हैज ऑल्सो डेवलप्ड वेल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड। इम्प्रूव्ड ब्रीड मतलब अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स लाके, है ना, मुर्गी अच्छी क्वालिटी के भी बन जाते हैं ना भाई, ब्रीड्स जो है अच्छे ले आओ, विदेशी ले आओ, जैसे काउज वगैरह भी आपने देखी होगी कि विदेशी गाय आ गई वो इतना लीटर दूध देती है, इसी तरीके से अच्छे ब्रीड्स के हमारे डक्स और हेन भी होते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है, एग्स मिलता है। एग्स क्या होते हैं, मार्केट में बेचे जाते हैं, एग्स को बेचते भी हैं, खाते भी हैं, और साथ में मीट, इनका मीट भी खाया जाता है, तो ये दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। नाउ व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, दो वी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कैटल हमारे पास है। द एनिमल्स वर नॉट वेरी हेल्दी एज दे लैक्ड न्यूट्रियस फूड। लेकिन हमारे पास जो एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उन्हें न्यूट्रियस फूड तो देते नहीं है, खाने के लिए उनका उतनी अच्छी देखभाल नहीं दे पा रहे, तो वो कैसे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे। सो यील्ड वर लो एंड इंडियन ब्रीड्स वर वे बिहाइंड देयर फॉरेन काउंटर पार्ट्स। इसलिए जो इंडियन वेराइटी के जैसे काऊ है, बफेलोज हैं, और जो फॉरेन की काऊ और बफेलो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है किस में, यील्ड में, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं हमारे यहाँ की कम देती हैं, क्योंकि हम उनका ध्यान नहीं रखते। द गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी डाइट एंड कीपिंग देम फ्री फ्रॉम डिजीज। तो फिर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और इनको डिसीज से फ्री करने के लिए, कि ये बीमारी, ये ऐसा ना हो कि बीमारी रहते रहें, तो इनसे इनको बीमारियां ज्यादा ना लगे और इनकी डाइट अच्छी हो, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, है ना, इनकी, इनका खान पियन सुधारने के लिए, साथ में ये डिसीज फ्री रहें। ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब जब वो स्वस्थ रहेंगे, एनिमल स्वस्थ रहेंगे, तो क्या होगा, मिल्क भी ज्यादा मिलेगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया, इसी को हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। टुडे इंडिया इज द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर इन मिल्क। मिल्क में भी अब हम वर्ल्ड में क्या है, लीड कर रहे हैं। नाउ डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, मतलब जिन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा कि भाई हमारे यहाँ के जो कैटल हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मिल्क क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो या तो किसी बीमारियों से घिरे हुए हैं, डिसीज हैं, या फिर उनके लिए अच्छा न्यूट्रियस फूड नहीं दे रहे, जिसके कारण वो बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया, फिर इनिशिएटिव लिए, तो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। टुडे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इज अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोडक्ट। पूरे वर्ल्ड में इनके मिल्क प्रोडक्ट चलते हैं। नाउ एंगेज्ड मतलब बिजी, एंसेस्टर फॉरफादर हमारे पूर्वज, सीरियल्स फूड ग्रेन जो हम खाते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब टूल्स का इम्प्लीमेंट करने से प्रोडक्शन को बढ़ाना, हार्वेस्टिंग गैदर इन काटना, कटाई करना क्रॉप प्रोडक्शन के बाद। नाउ एग्रीकल्चर इंक्लूड द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड रेयरिंग एनिमल। एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, साथ में जानवरों को भी पाल लेते हैं, तो उनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं, मिल्क बेचते हैं। क्रॉप्स जो है दो टाइप के होते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। फूड खाने के लिए कैश क्रॉप एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, वीट और राइस स्टेपल फूड है इंडियंस के,
रेयरिंग ऑफ कैटल इज बीइंग डन टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क इन अवर कंट्री. जानवरों को पालते उनकी देखभाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा बढ़ सके. नाउ एग्रीकल्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया? अर्ली मैन, पहले ह्यूमन बींग में. यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन लाइक दिस. अबाउट 10% ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अबाउट 70% पीपल एंगेज है. ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया. कैमल को क्या बोला जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है. कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर, जहां हम बड़े अमाउंट में फ्लावर्स को ग्रो करें और उन्हें बेचें, वो फ्लोरिकल्चर है. मतलब फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर है. नाउ डैश इज द प्राइम बिजनेस ऑफ इंडिया. इंडिया का मेन बिजनेस क्या है बच्चों? तो एग्रीकल्चर है. ठीक है, एग्रीकल्चर मेन बिजनेस है. नाउ वीट इज ग्रोन इन, वीट हमारा कहाँ ग्रो होता है? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में ग्रो होता है, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. नाउ नेक्स्ट इज राइस, राइस भी कहाँ ग्रो होता है? तो राइस भी पंजाब और उत्तर प्रदेश में ग्रो होता है. तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? पंजाब और उत्तर प्रदेश. ठीक है, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ग्रीन रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? तो फूड प्रोडक्शन पे, कि ज्यादा अमाउंट में फूड को प्रोड्यूस किया जाए, तो फूड प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज म्यूल्स, गधे वगैरह का यूज हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? कैरिंग लोड, की सामान ढो सके, कैरिंग लोड. ठीक है, गॉट इट. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, सो इंडिया इज बेसिकली इंडस्ट्रियल कंट्री. फॉल्स, हमारे यहाँ कैसी कंट्री है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, इंडिया कंट्री है. नाउ मिलियंस ऑफ ईयर अगो एग्रीकल्चर वॉज डिस्कवर्ड बाई अर्ली मैन. ट्रू, अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर का डिस्कवरी किया था. वीट जो है बीवरेज क्रॉप है. फॉल्स, बीवरेज क्रॉप हमारा क्या है? टी और कॉफी है, टी एंड कॉफी. सो दिस वन इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज कॉफी इज ग्रोन इन केरल. कॉफी केरल में ग्रो होती है. यस, कॉफी केरल में ग्रो होती है. काउज एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. यस, दे गिव्स अस मिल्क. ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा फार्मिंग के बारे में, कि कैसे 70% ऑफ हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो किस पे मेन उनका बिजनेस क्या है? मेन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. फिर हमने कैटल रियरिंग करते हैं जिससे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? कि हमने टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके फूड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया. वाइट रेवोल्यूशन हमने फिर से किसका यूज़ करके? अच्छा खाना देके किसको? कैटल्स को, उनको डिसीज फ्री करके मिल्क का प्रोडक्शन वर्ल्ड में बढ़ा दिया. मतलब हमारा बढ़ा और हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्शन करने लगे. जैसे कि अमूल है, अमूल मिल्क पूरे वर्ल्ड में सेल होता है. तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमने हर एक फील्ड में मास्टर करके हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा, जिससे हमारी इकोनॉमी हमेशा अच्छी रहती है ना. और नेक्स्ट जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं. तो जो कैश क्रॉप होते हैं वो मोस्टली हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों के लिए भी बेच देते हैं. और जो फूड क्रॉप है वो हमारे मेन क्रॉप होते हैं, चावल गेहूँ खाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं. तो दीज आर ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक. ओके, सो थैंक यू क्लास.